आप और हम आज जिस भूमि पर खड़े हैं, जिन्होंने हमें आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सभी प्रकार के अधिकार दिए हैं, ऐसे हमारे महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता जिजाऊ, सावित्रीबाई, रमाई, फातिमा जी, इन सभी महान व्यक्तियों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मंजुला प्रदीप जी, वैसे ही मनीषा बांगर मैडम, और जो आज के कार्यक्रम के प्रमुख उद्घाटक आयुष्यमती शबाना आजमी जी आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवशो नहीं आई है, इसलिए भी हम खेद है हमें, और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। वैसे ही राजमाता शुभांगी देवी गायकवाड़ जो बड़ौदा से आने वाली थी, तो बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते थे कि जरूर मैडम आने वाली है क्या, और बोल रहे थे कि शबाना आज भी मैडम आई है क्या, क्योंकि हमने कई उनके पिक्चर देखे हैं, सोशल उनका वर्क देखा है, तो कुछ कारणवश नहीं आई सकी, क्योंकि हमें उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लोगों को कहा है। मैं सभी से, हमारे जितने भी आयोजक हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, मैं अपोलोइज करता हूँ और सभी से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी एक बात है, हमें यहाँ स्टेज पर जो बैठे हैं और आप लोगों को असुविधा हो रहे, सभी इन आर्टिफिशियल फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो हमारे तरफ से जो असुविधा हुई है, उसके लिए भी मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। निसर्ग जो है, उसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने जैसा भी अरेंजमेंट किया था, फैन का अरेंजमेंट किया था, लेकिन कल शाम को अनएक्सपेक्टेड जो रेन हुआ, बरसात हुई, उनके वजह से हमने फैन तो लगाए हम, लेकिन उसको चला नहीं सकते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, और इसलिए आप लोगों का मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये आज की जो ऐतिहासिक महिला परिषद है, इट इज़ अ हिस्टोरिकल इवेंट। बाबा साहब के उपस्थिति में 1942 को जो राष्ट्रीय महिला परिषद हुई थी, और ये दूसरी सेकंड टाइम वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस नेशनल हिस्टोरिकल इवेंट एट नागपुर ऑन द पायस दीक्षा भूमि। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, दूसरी बार इस दीक्षा भूमि पर आपके साथ मेरी बात करते हुए, और इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूँ हमारे लाल बुद्धा टीवी के अध्यक्ष डायरेक्टर आयुष्मान भैया जी खैरकर साहब, और जिन्होंने ये बात रखी, और मैंने हमारे जो कलीग्स है, प्राध्यापिका विशाखा जी कासारे, माधुरी जी, डॉक्टर वीणा राउत, ये जो हमारे तीनों हैं, ममता जी है, पुष्पताई बौद्ध, ये सभी लोग हैं, इनको मैंने कहा कि क्या हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं। उन्होंने बोला, सर ये ऐतिहासिक इवेंट है, व्हाई वी विल नॉट कंडक्ट इट, और इसीलिए उन्होंने मुझे सहकार किया, और करीब 5 महीने से, आज का पहला दिन ये लास्ट डे है, 5 महीने से मेरे जो साथ में है, जितने में देन, ये जो कार्यक्रम है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट पीपल, इट इज जिसमें ओबीसी महिला है, हमारी ऑल इंडिया महिला विंग ओबीसी की जो डॉक्टर सुभा भट्ट मैडम है, जैन वंदना जी है, ये सभी हमारे साथ में है, विमेन महिला कम्युनिटी की महिला भी हमारे साथ है, और हम बहुत अच्छा लगा, भारत के बहुत जगह पर गए, दिल्ली गए, पुणे गए, जहाँ हमारे सामने वृषाली रंधीर मैडम है, करुणा जी, उन्होंने बहुत अरेंजमेंट किया, भंडारा गए तो कोई जगह पर खाना मिला, कभी नहीं मिला, बीच में हमारी गाड़ी बंद हुई, बरसात में हमारी महिलाओं ने कुछ सफ़र किया, ऐसा हमारा 5 महीने का जो सफ़र है, मुझे लगता है हमारी जितने भी हम दो हैं, भैया जी खैरकर और मैं, और मेरे साथ मेरे प्राध्यापक सीएन हाथमोड़े, हम तीनों हैं, लेकिन सभी महिला है, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ, 5 महीने से जो अपने परिवार को छोड़कर हमारे साथ काम कर रही है, इन सभी महिलाओं को आप प्लैकिंग करके उनको इनकरेज करें। दूसरा, ये जो आइडिया है, सो मेनी पीपल आर देयर, नागपुर में तो पूरे प्रकांड पंडित लोग भरे हुए हैं। मैं 2013 से रिटायर्ड हुआ हूँ पुणे से, 18 साल गुजरात में था, चाल से, भाव से, खाव से, गम से, बिहार में 4 साल था, और रिटायर्ड होने के बाद मैं मेरे गांव में एक वाचनालय छोटा सा उसका निर्माण किया, और छोटे छोटे कार्यक्रम साहित्य भवन में करता था, और खैरकर साहब ने कहा, और सचिन जी ने कहा, जामुले साहब, लाल बुद्धा के साथ आप कुछ कार्यक्रम करेंगे, मैंने बोला भाई ना, हम तो करते हैं, करेंगे, मैंने बोला कि करेंगे तो हम राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम करेंगे, छोटा मोटा हम नहीं करेंगे। तो पिछले
पिछले साल 5 फरवरी को हमने रमाबाई की जयंती इसी दीक्षा भूमि पर हमने सेलिब्रेट की। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कन्नड़ के लोग आए, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और उन्होंने कहा कि सब बहुत अच्छा है, आपके साथ का जो ग्रुप है वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव, दे कैन कोऑपरेट वेरी नाइसली, इसलिए ये जो कार्यक्रम है हम कर सकते हैं और ये इस माहौल पर हम पहुंचे हैं। बाबा साहब ने उस जमाने 1942 को 20 जुलाई को ये कार्यक्रम किया था और इसीलिए 20 जुलाई को हमने महिला क्रांति दिन करके हमने संविधान चौक है नागपुर में करीब 2000 महिला आई थी। और हमारी जो समस्या है इकोनॉमिकल सोशल, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसके बारे में भी हमने पंतप्रधान प्रधान को एक लेटर लिखा है, उसका हमने रिप्लाई दिया है कि वी आर टेकिंग द सीरियस एक्शन ऑन दिस इश्यू करके हमारे पास लेटर आया है। और हमने सोचा है कि ये हमारा जो कार्रवाई कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं साहब, अरे इतना आपने पूरे भारत में घूमे, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी भारत में है, इसका आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द रिजल्ट। हमने बोला जो लोग काम करें उसका जो आउटपुट होगा वो भी हमारा भी होगा, हम तो कोई अलग तो नहीं है, हम कोई चांद और सूरज को हाथ लगाने वाले नहीं है, वी आर ऑल्सो द सेम सिस्टम वी आर डूइंग, लेकिन हमारी सिस्टम बहुत अच्छी है। आई हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द यंग प्रोफेसर, यहाँ मैंने इतिहास देखा है बहुत विद्वान ज्ञानवानी जो लोग हैं जो नए नए आते उनको नहीं चाहते कि ये सामने आए, स्टेज के सामने आए, टीवी पर जाए। भैया जी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ जिन्होंने लाल गुद्दा टीवी को इंट्रोड्यूस करके पूरे भारत के महिलाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। छोटे छोटी बच्चे अभी आई है, गांव की महिलाएं गाने गाती हैं, अपने छोटे छोटे ड्रामा स्ट्रीट प्ले लाल गुद्दा के माध्यम से, और हमें मैसेज आते हैं। सहारनपुर से कोई एक महिला आए, उनका भी यह भी है, कल वो अपने ब्यौरा में अपना विचार व्यक्त करेगी। भूज कच्छ से हमें मैसेज आते बिकॉज ऑफ लाल गुद्दा, नहीं तो हम कौन पहचानते थे। इसलिए मुझे लग रहा है लाल गुद्दा टीवी के सचिन मुंजी और उनकी टीम, भैया जी खैरकर साहब, इनको भी आप क्लैकिंग देके थोड़ा उनको भी एनकरेज करें। हमारे यहाँ साइंटिस्ट, डॉक्टर, सो मेनी पीपल आर देयर, आई हैव एसोसिएटेड विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारे सामने ईजेट खोपरागड़े साहब थे जो कि महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम के हैं, और वहाँ इंगड़े साहब भी बैठे हैं, अगलावे साहब है, ही इज अ वेरी नाइस ओरेटर, वेरी गुड स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर है। कई लोगों से हमने चर्चा, लेकिन क्या है कि देर इज नो कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, हर एक को लगता है कि मैं हिमालय से बहुत बड़ा हूँ, मेरे से नीचे कोई भी नहीं है, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी लोग अगर इकट्ठे आते हैं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो सपना है बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, इससे भी हम अच्छा आयोजन कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, हम पराये को छोड़ो, हम तो मनुवादियों को गालियां देते हैं, इसको देते हैं, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं वही हमारे लिए खतरनाक है, खतरा है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम अपने लोगों को उसको लिटरेट करें, बाबा साहब भगवान बुद्ध की जो बातें हैं लिटरेट करने के कहे। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर देयर,